नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज। कल के मैच में आईपीएल के 13वें सीजन का 47वां मैच खेला गया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया। सनराइजर्स ने दिल्ली कैपिटल को 88 रनों से मात दी और इसके साथ ही 220 रनों के लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम 19 ओवरों में 131 रनों पे सिमट गई। मैं आपको बता दूं कि यह उनकी लगातार तीसरी हार है। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की यह 5वीं जीत है और अब वह 12 मैचों में 10 अंकों के साथ छठे पायदान पे हैं। देखा जाए तो अभी भी उनकी उम्मीदें जिंदा हैं और अगर वो इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की है। और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो दिल्ली कैपिटल की यह 5वीं हार रही और वह 12 मैचों में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है। नेट रन रेट के आधार पर 14-14 अंकों के साथ मुंबई इंडियन पहले स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी अब दूसरे स्थान पर है। साथ ही आपको बता दूं कि मुंबई और बेंगलुरु ने अब तक 11-11 मैच खेले हैं। अगर हम कल की मैच पे नजर डालें तो 220 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पहला झटका पारी की तीसरी गेंद पे ही लगा। उसके बाद 14 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिर गए। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल को जो शुरुआती झटके मिली उससे टीम उबर नहीं पाई, जिसका खामियाजा पूरी की पूरी टीम को भुगतना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद अपनी सारी एफर्ट लगाकर प्लेऑफ में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी।